शॉर्टकट कर चुके हैं कस्टमाइजेशन एंड ट्रबल शूटिंग, ठीक है। वही थे और आपने जो श्रिंक किया है तो ऊपर एक पैनल आ रहा होगा, है ना, उसमें माइक का जहाँ निशान आ रहा है ना उसको क्लिक करेंगे तो आपका म्यूट हो जाएगा, ठीक है, ताकि मुझे बैकग्राउंड नॉइस नहीं आएगी। जब तो जब भी क्वेश्चन पूछना है आपने उसको ऑन करके अनम्यूट करके तब पूछेंगे, ठीक है। हाँ, फिर आप क्वेश्चन कुछ भी पूछना है तो ऑन करके करेंगे, ठीक है। तो हाँ, इसमें हम कस्टमाइजेशन में क्या करते हैं कि जैसे कि हमें एक्सेल को कस्टमाइज करना है, जैसे आप देख रहे हैं कि मेरी स्क्रीन है और एक मिनी टूल बार होती है जो हम टेक्स्ट टाइप करते हैं और अंदर ही जब इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये मिनी टूल बार आती है, ठीक है। और एक ऑप्शन होता है इसका लाइव प्रीव्यू, जब हम इस पर खाली अपना माउस घुमाते ही हैं तो ये कलर चेंज दिखाने लगता है, ठीक है, इसको बोलते हैं लाइव प्रीव्यू। तो कस्टमाइजेशन में हम फाइल में जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे, हमारे पास एक एक्सेल ऑप्शन का बॉक्स आता है, ठीक है। ये सब आपका यही सब काम करता है, इन्हीं सेटिंग्स को आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको डिसेबल कर दूँ तो शो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन, तो टूल बार नहीं दिखाई देगी। इनेबल लाइव प्रीव्यू को ऑफ कर दूँ तो लाइव प्रीव्यू नहीं दिखाई देगा, ठीक है। दूसरा, मैंने जैसे शॉर्टकट्स में बताया था कि स्क्रीन टिप स्टाइल, मतलब स्क्रीन आप क्लिक कर यहाँ पे ले जाते हैं माउस ओवर, स्क्रीन टिप आती है, तो स्क्रीन टिप अगर डोंट शो स्क्रीन टिप पे सिलेक्ट होगी तो वो नहीं दिखाई देगी आपको। दूसरा, अगर आप देख रहे हैं मेरे पास 5 शीटें हैं, एक नई शीट में एरियल का फॉन्ट है और 12 आपके में कैलेबरी आता है, 11 आता है और 3 शीट आती हैं, तो डिफ़ॉल्ट इसको कैसे सेट करना है, आप जाएंगे यहाँ से कोई भी फॉन्ट चूज़ कर लेंगे, ठीक है, जो आप डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं, फॉन्ट साइज, व्यू कौन सा होगा, नॉर्मल व्यू, पेज ब्रेक व्यू, पेज लेआउट व्यू, और कितनी शीट डालनी है, 255 तक आप शीट डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको सेट करके ओके करेंगे, उसके बाद जब नई शीट कोई भी करेंगे तो वो ऑप्शन आपको वहाँ दिखाई दे। एक बार इसको बंद करना पड़ेगा मुझे एक्सेल को, फिर मैं जब दोबारा ओपन करूँगा तो सारे ऑप्शन ऐसे ही अप्लाइड होंगे उस पर, जैसे मैंने उस पर सेट किए थे। ठीक है, 3 शीट और ये फॉन्ट वगैरह, ठीक है। तो इसमें हम जाएंगे फिर से, आपके पास ये जो क्विक एनालिसिस का ऑप्शन है, अगर 2007 है तो उसमें नहीं आता है। क्विक एनालिसिस क्या होता है, यहाँ पे ये जो आ जाता है ना अपने आप साइन क्विक एनालिसिस, तो इसमें पहले से ही आप चीज़ें लगा के देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब, ये आपका क्विक एनालिसिस है। तो अगर नहीं आ रहा हो, 2010 के बाद वाले वर्जन्स में आया ये, तो इसलिए उसमें दे रखा है, ठीक है। ये होता है एक, आपके पास 2007 में ही एक और ऑप्शन होता है, वो इसमें एडवांस के अंदर डाल दिया गया है, कस्टम लिस्ट का, ठीक है, वो मैं दिखाता हूँ। कस्टम लिस्ट क्या होती है, जैसे आप जनवरी फरवरी को ड्रैग कर सकते हो, ठीक है, मंथ को ड्रैग कर सकते हो, वो डे को ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। पर यहाँ पे मैंने उसमें कुछ एडिशन किया है, मैं उसमें नाम भी ऐसे ड्रैग कर सकता हूँ, सिटी है तो सिटी ड्रैग कर सकता हूँ, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट ड्रैग कर सकता हूँ, ठीक है। ये क्या होता है, हमें फाइल में जाते हैं, ऑप्शन में जाते हैं,
आपके में जनरल में ही इसी के अंदर होता है यहाँ पे 2007 में, और ये 10 और 13 में एडवांस के अंदर सबसे नीचे में एडिट कस्टम लिस्ट का ऑप्शन है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे संडे मंडे ये मंथ के नाम है, ये डिसेबल्ड है फिलहाल क्योंकि ये सिस्टम एंट्री है। बाकी मैंने अपनी भी एंट्री कर रखी है जैसे माउस की, ये नेम की और ये सिटी की, ठीक है। ये एंट्री आप कैसे करते हैं, न्यू लिस्ट में जाके या तो टाइप करते हैं, ऐड करते हैं या कहीं लिखी हुई है तो आप इस साइन से इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे किया, यहाँ पे क्लिक किया, इंपोर्ट किया तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ऐड कर देंगे इसके अंदर ऐड हो जाएगा। अब उस लिस्ट में से आप कोई भी नाम डालें किसी भी पोजीशन का तो उसके नीचे वाला डाटा आपका रिपीट होता है, और जब वो लिस्ट ख़त्म हो जाती है वापस वो रिपीट मारता है, जैसे रवि से शुरुआत हुए, ये संदीप, प्रदीप, फिर रवि से ऐसे आ गया, ठीक है। तो ये एडिट कस्टम लिस्ट का यूज़ जो मैं क्या करता हूँ, मैं डेटा बनाने के लिए करता हूँ फटाफट से, ठीक है, वो मैं आगे आपको दिखाता रहूँगा, आगे के एग्जांपल्स में आप ये सब चीज़ें देखते रहेंगे, ठीक है। अब चलते हैं फाइल में, ऑप्शन में, फार्मूलास के अंदर। फार्मूलास में अभी वर्कबुक कैलकुलेशन जो है वो ऑटोमेटिक है, तीन मोड है, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल्स और मैनुअल, मेजर दो ही हैं, ऑटोमेटिक और मैनुअल, ठीक है। अब होता क्या है, जब हम वर्कबुक को कैलकुलेट कोई भी फार्मूला लगाता हूँ यहाँ, अब जैसे ये फार्मूला लगाया मैंने, सम का लगा दिया यहाँ, और यहाँ कोई भी चेंज करूँगा तो आपको इमीडिएट चेंज दिखा रहा है, क्योंकि वर्कबुक का जो कैलकुलेशन मोड है ऑटोमेटिक है। तो शीट में कहीं भी चेंज होता है तो हमारा फार्मूला ऑटोमेटिक मोड में कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। अगर आपके पास ऐसी शीट है जिसमें हज़ारों लाखों फार्मूले हैं और आप शीट में कुछ भी चेंज करते हो तो वो क्या करता है, हर एक फार्मूला का एक कैलकुलेशन टाइम होता है, हैंग हो जाता है जब तक वो कैलकुलेट नहीं होता, यहाँ पे कैलकुलेशन करके आता रहता है परसेंटेज उसकी। तो उसके लिए क्या करते हैं, हैवी फाइल्स के लिए हम लोग उसको मैनुअल कर देते हैं। ये आप यहाँ फार्मूला में जाके कैलकुलेशन ऑप्शन में भी कर सकते हैं मैनुअल, मैनुअल पे चेक कर दिया। अब आप कोई भी चेंज कर रहे हैं तो कैलकुलेशन अभी नहीं होगी। इस मैनुअल मोड में कैलकुलेशन कराने के लिए हमें दो बटन दिए गए हैं, कैलकुलेट नाउ और कैलकुलेट शीट। कैलकुलेट नाउ क्या करेगा, पूरी वर्कबुक को यानी जितनी भी शीटें होंगी सबको कैलकुलेट करेगा, और कैलकुलेट शीट सिर्फ करंट वर्कबुक को, करंट शीट को कैलकुलेट करता है। तो मैं इन बटन की मदद से सारा अपना काम करने के बाद एक ही बार कैलकुलेट का बटन दबाऊंगा और मेरा फॉर्मूला कैलकुलेट होके आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हैं, ऑटोमेटिक कर देंगे तो वापस पहले जैसा हो जाएगा ऑटोमेटिक कैलकुलेशन, ठीक है। इसके बाद आपके पास फार्मूलास के अंदर है इनेबल इटरेटिव कैलकुलेशन। तो इटरेटिव कैलकुलेशन कौन सी होती है, सर्कुलर रेफरेंस के बारे में आपने सुना होगा, तो ये सर्कुलर रेफरेंस की ही बात कर रहा है। सर्कुलर रेफरेंस होते क्या है, जैसे मैंने शीट में दे दिया कि यहाँ नीचे वाली सेल में 10 प्लस कर दो, और फिर नीचे वाले में मैंने कर दिया कि ऊपर वाली में 10 प्लस कर दो, तो ये क्या हुआ कि एक इटरेशन बन गई, एक लूप बन गया जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने आप को ही रेफर कर रहा है। तो ये सर्कुलर रेफरेंस की एरर है, जब भी सर्कुलर रेफरेंस होगा आपके पास यहाँ लिखा हुआ आएगा। इसको ठीक कैसे करना होता है, मतलब आपके पास 500 शीट है और उसमें आपको पता नहीं कि सर्कुलर रेफरेंस है कहाँ, तो आप फार्मूला में जाएंगे, एरर चेकिंग में जाएंगे, और यहाँ सर्कुलर रेफरेंस है, जब क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर वहाँ पहुँच जाएगा। ये मोस्टली कब होता है कि जैसे हमारा नीचे डेटा लिखा हुआ है और किसी ने क्या किया, सम का फार्मूला लगा दिया और पूरा पूरा कॉलम ही सिलेक्ट कर लिया, तो सम इनडायरेक्टली अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सर्कुलर रेफरेंस लग गया, ठीक।
ठीक है, तो सर्कुलर रेफरेंस एक एरर होती है और हम चाहें तो इसको इनेबल कर सकते हैं, वैसे हम करते नहीं हैं कभी, पर इसमें ऑप्शन होता है आप चाहें तो इसको इनेबल कर सकते हैं। और कितनी इटरेशंस लेगा ये, मतलब कितनी बार वो लूप घूमेगा, तो जैसे 100 बार है तो ये बेस वैल्यू को ज़ीरो मान के 100 बार घूम जाएगा, आपको रिज़ल्ट दिखा देगा, ठीक है। तो ये सर्कुलर रेफरेंस को हम इनेबल कर सकते हैं यहाँ से, हालांकि इसकी ज़रूरत कभी नहीं पड़ती हमें, ठीक है। उसके बाद आपका जैसे ये सेल के लिए, कॉलम के लिए ए बी सी डी आता है, रो के लिए 1 2 3 4 आता है, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखूँ तो मैं कहीं से भी A1 इस सेल का एड्रेस दे रहा हूँ, यहाँ भी A1 लिखूँगा, यहाँ पे भी A1 लिखूँगा। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, क्योंकि हमारा A1 का मतलब है ये वाली सेल, ठीक है, फिक्स है। रिलेटिव रेफरेंसिंग के केस में क्या होता है, जब आपका फार्मूला में ऑप्शन जाते हैं, फार्मूला में जाते हैं R1C1 रेफरेंस स्टाइल, इस तरह की अप्रोच मैक्रो में यूज़ होती है। अब जहाँ मैंने, इसमें क्या है, ABCD आपका 1 2 3 4 में बदल गया, जहाँ मैंने A1 लिखा था वो हो गया R-5 C-2, ठीक है, ये क्या हो गया R-7 C-4, तो दोनों रेफरेंस बदल गए। ये था क्या, अब मैं ऊपर वाली सेल, इसी सेल को रेफ़र करता हूँ, तो RC का मतलब होता है Row 0 Column 0, एक कॉलम आगे बढ़ा, Row 0 Column 1 Column 2 Column 3, ठीक है, नीचे आया एक रो नीचे बढ़ा, Row 1 Column 3, तो अपनी पोजीशन से कितनी दूर है वो रेफरेंस, ये वो बताता है, ठीक है। अगर हम कॉलम पीछे करते, हाँ जी, ये यूज़ कहीं नहीं आता है, ये मैं बस ये बता रहा हूँ कि इस तरह से अगर आपका बदल गया तो उनका मतलब क्या होता है। यूज़ इसका मैक्रोज़ में होता है, इस तरह की अप्रोच का, रिलेटिव रेफरेंसिंग का, ठीक है, पर ये पता होना चाहिए कि ये होता क्या है, ठीक है। हाँ, इसको आप एरर भी कह सकते हो, ट्रबल शूट करना हो इस प्रॉब्लम को, या हो तो क्या है ये पता करना हो, तो वो मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप पीछे वाले कॉलम में जाते हो तो -1 देता है, -2 -3 -4, तो कितने कॉलम पीछे है। इसी तरह आप ऊपर की रो में जाओगे तो कितनी रो ऊपर है ये बता रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये रेफरेंसिंग लेता है, ठीक है। अब इसको हमें अगर ठीक करना है तो फार्मूला में जाके ये रो कॉलम रेफरेंस स्टाइल को ऑफ करना होता है, तो फिर से ABCD में बदल गया, ये रेफरेंस अपनी जगह वापस आ गया वैसे के वैसे, ठीक है। इसके बाद जैसे फार्मूला ऑटो कंप्लीट लिस्ट होती है, ये जो लिस्ट आ रही है ये नहीं आ रही है, तो आपका वही ऑप्शन में फार्मूला में जाएंगे, ये डिसेबल होगा, इसको इनेबल कर देंगे, ठीक है। इनेबल बैकग्राउंड एरर चेकिंग, ऐसी छोटे छोटे चीज़ें हैं, ये धीरे धीरे आपको पता लगती रहेंगी, मैं मेजर बता रहा हूँ इस पर। बैकग्राउंड एरर चेक क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि हम ज़ीरो इसमें डायरेक्ट नहीं लिख सकते, कोटेशन मार्क से लिखना होता है, ठीक है। तो एक्सेल की नज़र में ये एक एरर है, और एरर को ये एक कलर से डिनोट करता है, ग्रीन आ रहा है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो एरर का एक साइन आता है। इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो बता रहा है नंबर स्टोर्ड एज ए टेक्स्ट, आपको ऑप्शन दे रहा है एरर इग्नोर कर दो, नंबर में कन्वर्ट कर दो। तो बेसिकली इसकी सेटिंग कहाँ होती है, ये आपकी होती है फार्मूला के अंदर बैकग्राउंड एरर चेकिंग में। अब जैसे आपने काफ़ी सारी टेक्स्ट वैल्यू ली तो इस तरह की एरर आ सकती है, और ये अगर डेटा बहुत बड़ा है तो ये भी कुछ टाइम लेता है, तो आप इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है, कि बैकग्राउंड एरर चेकिंग ना हो। एरर जो होगी वो वहीं रहेगी, बस ये चेक नहीं करेगा, हमें किस, ये रूल है कि इन इन रूल्स के बेस पे ये चेक करता है सेल को। तो नंबर फॉर्मेटेड एज टेक्स्ट और प्रसीडेड बाय एन अपोस्ट्रॉफ, तो इसके अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग इसने हमें
एरर जनरेट की है, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो हैवी फाइल्स में कोशिश करें इसको भी डिसेबल कर दें ताकि अलग से मेमोरी ना खाए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं प्रूफिंग में। प्रूफिंग में क्या होता है, आपके ऑटो करेक्ट वाले ऑप्शन होते हैं, स्पेल चेक वगैरह होता है। जैसे मैंने एक गलत स्पेलिंग लिखी, यहाँ एक कैपिटल में गलत स्पेलिंग लिखी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, स्पेल चेक कहाँ से करते हैं, रिव्यू में जाके ये ABC स्पेलिंग और F7, ठीक है। तो आपको दिखा रहा है कि इसको इससे रिप्लेस करना है, इग्नोर किया मैंने, ये चला गया। इसको कैपिटल वाले के लिए इसने कुछ नहीं बताया, क्योंकि हमारी सेटिंग में ये लिखा हुआ है इग्नोर वर्ड इन अपर केस। अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो अपर केस वाले को भी चेक करेगा। दूसरी चीज़ क्या होती है, जब हम जैसे कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे मैंने ये सी लिखा, कॉपीराइट में चेंज हो गया, TM लिखा ब्रैकेट में, इसमें चेंज हो गया, R लिखा रजिस्टर्ड में चेंज हो गया, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि इस तरह की कन्वर्जन हो, मैं एज इट इज़ लिखना चाहता हूँ। तो उसी सेटिंग के ऊपर मैंने अपना एक और चीज़ काम कर दिया, जैसे SS टाइप किया तो संदीप सिंह आ गया, यह ऑटो करेक्ट होता है, ठीक है। तो इसको भी आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इसकी सेटिंग कहाँ होती है, आपकी प्रूफिंग में ही ऑटो करेक्ट ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन ऑन है आपका, रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप। तो जब भी आप कुछ टाइप करते हैं, इधर वाला करेक्टर इससे बदल जाता है। तो इसमें आप ऐड भी करा सकते हैं कि अगर मैं ये टाइप करूं तो यहाँ पे ये आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया, तो यहाँ पे ऐड का बटन आएगा, अगर नई एंट्री होगी तो आप इस डिक्शनरी में ऐड भी करा सकते हैं। और इसको ऑफ कर देंगे तो रिप्लेस टेक्स्ट रिप्लेस नहीं होगा, तो आपके अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। दूसरी चीज़ ऑटो करेक्ट में कन्वर्जन होता है ईमेल आईडी या हाइपरलिंक्स का। वेब एड्रेस टाइप करते हैं या कुछ इस तरह से टाइप करेंगे तो हाइपरलिंक, एक बार कन्वर्ट हो जाने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। पर अगर हम इन पे काम करने जा रहे हैं और मैं ये चाह रहा हूँ कि हाइपरलिंक पे कन्वर्ट ना हो, तो मैं ये यहाँ से इसको ऑफ करा सकता हूँ। ऑटो करेक्ट ऑप्शन में सेकेंड है ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप इंटरनेट एंड नेटवर्क पाथ विद हाइपरलिंक। अगर इस ऑप्शन को ऑफ कर दूंगा तो हाइपरलिंक में चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद सेव के ऑप्शन है। सेव के ऑप्शन में क्या है, जब मैं फाइल को सेव एज करता हूँ, देखिए मेरी जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है वो है डेस्कटॉप। सेव एज टाइप है, फाइल का जो टाइप है वो एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक है, ठीक है। तो इसको डिफ़ॉल्ट करना हो आपको तो आप सेव में जाके यहाँ से डिफ़ॉल्ट सेविंग टाइप और डिफ़ॉल्ट लोकेशन का पाथ दे सकते हैं, ठीक है। अब आपको फाइल के फॉर्मेट्स के बारे में बताता हूँ कि कितने तरह के फॉर्मेट हम इसमें यूज़ करते हैं, उनका क्या क्या यूज़ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सेल वर्कबुक की। वर्कबुक में क्या होता है कि आपका नॉर्मल वर्कबुक फॉर्मेट है, इसका जो एक्सटेंशन है वो है XLSX। ये आपका नॉर्मल वर्कबुक फॉर्मेट है। मैक्रो इनेबल क्यों मैं यूज़ करता हूँ, मैक्रो इनेबल्ड में क्या होता है कि जो हम मैक्रो टाइप करते हैं वो आपका वर्कबुक फॉर्मेट नहीं कर सकता। ये डेवलपर टूल बार में विजुअल बेसिक का ऑप्शन है, इसमें मुझे VBE खुलता है, विजुअल बेसिक एडिटर, ठीक है। तो इसमें अगर मैं कुछ कोड टाइप करता हूँ और फाइल को सेव कर दिया मैंने, तो क्या है कि ये कोड सेव नहीं करेगा, खाली वर्कबुक सेव करेगा, मतलब मैक्रोज आपके सेव नहीं होंगे एक्सेल वर्कबुक फॉर्मेट में। मैक्रोज को सेव करने के लिए आपको मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक फॉर्मेट चूज़ करना होता है, जिसका जो कोड आता है वो एक्सटेंशन है वो XLSM है, ठीक है। उसके बाद इसमें है बाइनरी वर्कबुक। बाइनरी वर्कबुक आपका
फॉर्मेट आपको बाइनरी में सेव करता है फाइल को। अगर ये बाइनरी में सेव करता है, बाइनरी क्या होती है, 01 सिस्टम लैंग्वेज, तो उसमें सेव करता है। इसका फ़ायदा क्या होता है, ये मैक्रो भी कंटेन कर सकता है। दूसरा, इसका फाइल साइज़ बहुत कम होता है। आपका नॉर्मल एक्सेल वर्कबुक फॉर्मेट जो मान लीजिए कि 100 MB का है, तो अगर उसको बाइनरी में सेव कर देंगे तो वो 10 या 15 MB ही रह जाएगा। सिंपल सा कि उसका साइज़ हल्का हो जाएगा, फंक्शनैलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ये सब काम आप बाइनरी में भी कर सकते हैं। तो जब हैवी डेटा फाइल होती है हमारे पास, तो हम लोग बाइनरी यूज़ करते हैं। तो अगर बाइनरी सिस्टम लैंग्वेज में स्टोर होता है, तो एक्सेल वर्कबुक किस फॉर्मेट में होता है? एक्सेल वर्कबुक तो होता है आपका XML फॉर्मेट में। XML एक लैंग्वेज है जो वेब पे डेटा को इधर से उधर करने के लिए यूज होता है, डेटा ट्रांसफ़र के लिए। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, इसलिए वो भारी होता है या हल्का होता है। उसके बाद आपका है एक्सेल 97 वर्कबुक। 97 वर्कबुक क्या करता है, 97 2003, हमारा जो फॉर्मेट आया था एक्सेल वर्कबुक में XLSX था, और इससे पुराने वर्जन में 2007 के से पहले वाले में, यानी 97 से 2003 वाले वर्जन्स में जो फाइल फॉर्मेट था वो XLS था। तो जो पुरानी फाइलें होती थी, अगर हम ये हम अगर कोई फाइल बना रहे हैं 7, 10 या 13 वर्जन में, तो वो पुराने वर्जन्स पे नहीं खुलती थी। तो उसके लिए इन्होंने ऑप्शन दिया था कि आप पुराने फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं इसको लेकर, ठीक है। XML डेटा, ये आपकी शीट को डेटा में XML में कन्वर्ट कर देता है, XML फाइल में। पर XML फाइल के लिए इसको वो चाहिए होता है, आपका मैप चाहिए होता है, XML मैप। तो इसको हम आगे चल के देखेंगे, मैक्रोज वगैरह में यूज़ होगा ये, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास है ये वेब पेज बनाने के लिए टेम्पलेट, एक्सेल टेम्पलेट। मान लीजिए कि मैंने कोई फॉर्म बनाया और मैं ये फाइल मेल कर देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो फॉर्म को कोई बर्बाद ना करें, ठीक है, वो एज इट इज़ रहे, उसमें कोई कुछ भी सेव ना कर पाए। तो एक्सेल टेम्पलेट बना के देते हैं, जब वो उस फॉर्म पे काम कर लेगा एक्सेल फाइल पे, तो सेव करने चलेगा तो वो सेव एज दिखाएगा, मतलब उसकी कॉपी बनाएगा कहीं और, आपकी मेन फाइल जो आपने भेजी है उसको चेंज नहीं कर पाएगा, जो भी करेगा उसके अंदर सेव नहीं कर सकता वो। तो एक्सेल टेम्पलेट फॉर्मेट होता है, ऐसे ही मैक्रो इनेबल टेम्पलेट है, जिसमें मैक्रो का टेम्पलेट बना के हम कर सकते हैं, वो फाइल में चेंज नहीं होगा, नई कॉपी बनानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपको बनाना है जैसे CSV, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, तो कॉमा सेपरेटेड है आपका, स्पेस डिलिमिटेड है, मतलब कॉमा एक एक वैल्यू स्पेस से आएगी। इसी तरह आपका टैब का भी होगा, टैब डिलिमिटेड, ये रहा, तो जो हर एक कॉलम के गैप में टैब आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका एड इन, एक्सेल एड इन फॉर्मेट। एड इन फॉर्मेट क्या करता है, जो इसका फॉर्मेट होता है XLA, जो एक्सटेंशन होता है, तो एक्सेल एड इन होता है। एड इन हम बनाते हैं जैसे वर्कबुक, खाली वर्कबुक सेव करता है, मैक्रो इनेबल्ड फॉर्मेट वर्कबुक और मैक्रो दोनों सेव करता है, तो एड इन फॉर्मेट सिर्फ मैक्रो सेव करता है, वर्कबुक नहीं सेव करता। तो क्या होता है, मैक्रोस जिस फाइल के लिए बनाया है उसी फाइल में ही रहता है। अगर आप चाहते हैं कि एक ग्लोबल मैक्रो बनाऊं जिसको मैं हर फाइल में यूज़ कर सकूं, तो मैं उसका एड इन बना दूंगा और उस कोड को अटैच कर दूंगा एक्सेल में, जिससे मैं उसको यूज़ कर पाऊंगा अपनी किसी भी फाइल में उस मैक्रो को, ठीक है। तो वो एड इन फॉर्मेट होता है हमारा, एक्सेल एड इन। इसके बाद तो हमने सेव में अभी फॉर्मेट डिस्कस किए। ऑटो रिकवर इन्फॉर्मेशन, जब भी आप एक्सेल में काम करते हैं तो हर 10 मिनट में फाइल सेव होती है। क्या होता है, कई बार हमारे पास, मतलब इसमें नहीं सेव होती,
ऑटो रिकवर फाइल लोकेशन है, इस पे फाइल पड़ी होती है, वहाँ पे टेम्परेरली सेव होती रहती है। अगर आपका सिस्टम क्रैश होता है या मतलब बिजली चली जाती है, वैसे बंद होता है, तो आपके पास लेफ्ट साइड में आता है डू यू वॉन्ट टू रिकवर दिस फाइल। तो क्रैश होने से 10 मिनट पहले तक का रिकॉर्ड वो रखता है, वो फाइल आप वहाँ से रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप, पर ये भी है कि ऑटो रिकवर का ऑप्शन जिस समय आता है उसी टाइम रिकवर कर सकते हैं, अगर नहीं करते तो वो टेम्परेरी फाइल जो उसने बनाई होती है उसको डिलीट कर देता है, ठीक है। तो कई फाइलों का क्या होता है, हैवी फाइल्स हैं, मतलब सेव होने में ही 10 मिनट लगा देती हैं, और फिर से 10 मिनट ये सेव करने के लिए प्रोग्राम है टेम्परेरी फाइल, तो ये फाइल ऑलमोस्ट हैंग रहती है। तो आप इसका टाइमिंग इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, 2 घंटे तक कर सकते हैं ऑटो रिकवर का टाइम, या फिर टेम्परेरली डिसेबल कर सकते हैं यहाँ क्लिक करके, और ओपन वर्कबुक जो भी होगी आपकी यहाँ आ जाएगी, उसको सिलेक्ट कर देंगे तो टेम्परेरली उसके लिए डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि आपने एक फाइल पे काम किया और वो फाइल आपने सेव नहीं की, बस प्रिंट निकाल लिया और दिखाया, और फिर पता चला आपको कि उसमें कुछ चेंज करना था, तो कई बार ये चीज़ आपको वापस मिल जाती है। आपको कहाँ जाना होता है, फाइल में, इन्फो में, मैनेज वर्जन, रिकवर अनसेव्ड वर्कबुक। तो जैसे मैंने किसी फाइल पे अभी पुराना कोई भी मेरा सेव नहीं है, तो चांसेस होते हैं कि यहाँ पे आपको वो फाइल मिल जाती है जो आपने जानबूझ के सेव नहीं की है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका 2010 के बाद आया था, 2010 में आया था और उसके बाद वाले वर्जन्स में, 2007 में नहीं है। उसके बाद सेव का हो गया हमारा, लैंग्वेज में कुछ नहीं है, एडवांस में आप एंटर प्रेस करते हैं तो आपका कर्सर डाउन में जाता है। आप चाहें तो इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में जाएगा। अगर आप डेसिमल्स के साथ काम कर रहे हैं तो ये फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली इंसर्ट अ डेसिमल पॉइंट, मतलब 2 डेसिमल इंसर्ट करना है, 3 करना है, तो जैसे भी कोई आप नंबर डालेंगे ऑटोमेटिकली 2 डेसिमल, मतलब डेसिमल बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कहाँ होता है, एडवांस के अंदर, ठीक है। एक होता है इनेबल फिल हैंडल सेल ड्रैग एंड ड्रॉप। ये वाला क्या होता है, ये जो आपके पास ड्रैग के लिए डॉट दिख रहा है, कई बार क्या होता है कि ये नहीं दिखता है, 2013 में दिखता है पर ड्रैग नहीं होगा, 2013 से पहले वाले वर्जन में दिखेगा भी नहीं, तो ये ड्रैगिंग ऑफ कर देता है, ठीक है। ये आपका एरर जो आई थी वो इनकम टैक्स की जो एक्सेल फाइल होती है जिस पे हम फाइल करते हैं, उसमें एक सेटिंग है जो इसको डिसेबल कर जाती है, तब ये प्रॉब्लम बहुत हाईलाइट हुई थी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है एडवांस में जाके इनेबल फिल हैंडल सेल ड्रैग एंड ड्रॉप को ऑन कर देंगे, ठीक है जी। तो इसी तरह के कुछ छोटे छोटे ऑप्शन हैं, मेजर वाले मैंने आपको बताए हैं, छोटे छोटे ऑप्शन इसी में पड़े हुए हैं, तो ये कोई भी ज़रूरत हो, कोई भी मतलब दिक्कत लगे तो एक बार इसमें ज़रूर चेक करें एडवांस वाले में। जैसे कि ग्रिड लाइन कलर, ग्रिड लाइन का कलर अगर चेंज हो गया है तो वो आपको एडवांस के अंदर ही मिलेगा, इस तरह से कोई फाइल आ जाती है तो वो आप यहाँ पे जाके ही ठीक कर सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ होती हैं इसके अंदर जो इसके ऑप्शन नहीं होते। और आपका एडिशनली एडिट कस्टम लिस्ट 2010 और 13 में एडवांस के अंदर ही है, और बाकी 2007 में वो जनरल के पास है, ठीक है। देन कस्टमाइज रिबन, तो आप देख रहे हैं मैं एक डेवलपर टूल बार यूज़ करता हूँ जो कि मैक्रोज वगैरह के लिए होता है। ये टूल बार बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल नहीं होता, आपके में नहीं आ रहा होगा। 2007 में ये जो फीचर है आपका जनरल के अंदर ही है, वहाँ पे होता है शो डेवलपर टूल बार, ठीक है। और 2010 और 13 के अंदर कस्टमाइज रिबन के अंदर है, आपको यहाँ से चेक करना होता है, ठीक है। तो बेसिकली जैसे आप डेवलपर टूलबार को देखें तो डेवलपर, उसके बाद ये कोड आ रहा है,
तो ये रिबन है, टैब है, ये ग्रुप है कोड, और उसके अंदर इसके ऑप्शन हैं। तो आप चाहें तो अपने अपने भी ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं, अपना नया टैब बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, और यहाँ वो ऑप्शन लेके ऐड करा सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ से आपकी ऑल कमांड्स आ जाती हैं, कोई भी अगर कमांड नहीं मिल रही है, ऑल कमांड आ गई, आप चाहते हैं फाइल टैब के अंदर हो तो उसको शिफ्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। मैक्रोज, जो एडिन के थ्रू मैक्रोज आते हैं वो आपके मैक्रोज के अंदर होते हैं, तो आप टैब बना के मैक्रो को असाइन करके यहाँ पे ला सकते हैं ताकि आप उसको यूज़ कर सकें। क्विक एक्सेस टूल बार भी सेम होती है, ये आपकी यहाँ पे होती है ये ऊपर में, ठीक है। तो क्विक एक्सेस टूल बार में आप सेम चीज़ कर सकते हैं, कोई भी फ्रिक्वेंटली यूज्ड कमांड यहाँ पे डाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ऐड करा सकते हैं, ठीक है। देन आपके पास है एड इन का ऑप्शन, ये एड इन, ठीक है। तो यहाँ पे आता है मैनेज एक्सेल एड इन गो, तो इसमें क्या करते हैं, आप एड इन को ब्राउज करते हैं, जैसे वो मैक्रो फाइल बनाई एबीसी के नाम से बनाई, मैंने ओके कर दिया, यस आ गया, ठीक है। और फिर मैंने कस्टमाइज रिबन में जाके इसको, कस्टमाइज रिबन या क्विक एक्सेल में जाके मैक्रो में देखा तो वो मैक्रो मुझे यहाँ मिल जाएगा और इसको मैं ऐड करा सकता हूँ। तो अब मैंने ये मैक्रो ऐड करा दिया इसके अंदर और यहाँ देख रहा हूँ, जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो मैक्रो चल जाएगा, ठीक है। तो एड इन को हम इस तरह से यूज़ करते हैं, ये एक्सेल एड इन है। कॉम एड इन होते हैं आपके कंपोनेंट एड इन, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के ही होते हैं या किसी बड़े सॉफ्टवेयर के होते हैं, वो यहाँ होते हैं आपके, जैसे पावर पिवट 2013 में, पावर व्यू, तो ये आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं कंपोनेंट एड कॉम एड इन से। हाँ जी, तो अभी क्या हुआ था, जैसे लाइट जाती है तो इसमें कनेक्शन थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाता है, तो अगर ऐसा हो तो बने रहिए लाइन पे, अपने आप ही ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। हाँ, तो मैं एड इन के बारे में बता रहा था कि आप कंपोनेंट एड इन आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, कोई भी माइक्रोसॉफ्ट का हो गया या कोई और हो गया तो वो यहाँ से ऐड होगा, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के फीचर्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद चलते हैं ट्रस्ट सेंटर पे। अब ट्रस्ट सेंटर में, ट्रस्ट सेंटर सेटिंग्स होती हैं, एड इन से शुरुआत करते हैं। अगर आपका एड इन यहाँ से डिसेबल है तो सारे एड इन आपके डिसेबल हो जाएंगे, ठीक है जी। एक्टिव एक्स सेटिंग, इसमें भी इनेबल डिसेबल का ऑप्शन है। एक्टिव एक्स कौन से होते हैं, जैसे आपका एक्सेल में
गेम्स चलती हैं या बटन है या ड्रॉप डाउन लिस्ट है, तो इस तरह की सेटिंग्स हैं वो एक्टिव एक्स सेटिंग्स के अंदर आती हैं। अगर ये डिसेबल है तो आपका कोई भी कंट्रोल नहीं चलेगा। मैक्रो में अगर मैक्रो डिसेबल है तो मैक्रो नहीं चलेंगे। प्रोटेक्टेड व्यू, ये इनेबल कर देने से प्रोटेक्टेड व्यू, जैसे जो इंटरनेट से फाइल डाउनलोड हो रही है, जिनको आप एक्सेल वगैरह में खोलते हैं, या आउटलुक के अटैचमेंट है, या अनसेफ लोकेशन पे है तो प्रोटेक्टेड व्यू में खुलते हैं, तो उसकी सेटिंग है प्रोटेक्टेड व्यू आपको दिखाना है नहीं दिखाना। ठीक है, मैसेज बार, कुछ भी ब्लॉक होगा तो एक मैसेज बार आती है येलो कलर की इधर की, इनेबल दिस कंटेंट करके, अगर ये नेवर शो पे सेट होगी तो ये भी कभी नहीं आएगी, वो पता नहीं पड़ेगा कि क्या ब्लॉक है। एक्सटर्नल कंटेंट, या किसी अदर फाइल से डेटा ले रहे हैं, किसी अलग सॉफ्टवेयर से डेटा ले रहे हैं हम, और ओरेकल, सैप, SQL किसी से ले रहे हैं, अगर यहाँ डिसेबल होगा तो एक्सटर्नल कंटेंट कुछ भी विजिबल नहीं होगा। तो ये आपकी कस्टमाइजेशन के बारे में है सब कुछ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखें, एक बार रिव्यू कर लीजिए इसको, कल हम नंबर फॉर्मेटिंग और कस्टम फॉर्मेटिंग करेंगे। ठीक है। अच्छा, लिंक पिक्चर, तो लिंक पिक्चर में आपने बस कॉपी करना है, अलग लोकेशन पे जाना है। कई बार क्या होता है, सेम पे होते हैं तो नहीं होता है, और फिर आपने जाना है होम पे, ये पेस्ट का बटन है, यहाँ पे आपके पास है लिंक्ड पिक्चर, आपके 2007 वाले ऑप्शन में वो मतलब ऐसे लिखा हुआ आता है अलग से, लिंक्ड पिक्चर, पिक्चर लिंक किया। ठीक है, हाँ, एस्केप से कर दीजिए, ये हट जाएगा, और यहाँ से फिर आपको बाहर क्लिक करना पड़ेगा, ये पिक्चर है। ठीक है, तो हाँ, तो बाहर क्लिक कर दीजिए कहीं भी। ठीक है, जैसे मैंने इसको कॉपी किया, बाहर कहीं क्लिक किया, लिंक्ड पिक्चर पे आया। ठीक है, ये आ गई लिंक्ड पिक्चर, इसको मैं मूव कर सकता हूँ, बाहर क्लिक करूँगा हट जाएगा। ठीक है, ये हटाना है तो आपको एस्केप दबाना पड़ेगा। ठीक है जी, हाँ, अच्छा, जो मैंने नॉर्मल ड्रैग अप डाउन, जैसे मैंने, अच्छा, इसको तो मैं इसको प्रोडक्ट को यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, ये इसको ऊपर लेके जाना है, तो ये जो चौकोर बॉक्स है ना, आपके पास ऐसा कर्जर आएगा, देखिए ये वाला, तब जाएगा। ठीक है, तब इसको ड्रैग कर देंगे, ऊपर चला जाएगा। ये कर्जर पकड़ना है, जैसे इमेजेस को ले जाते हैं हम, शेप को, ठीक है, तभी जाएगा ऊपर। ये होता है ना, देखो, अगर ऐसे हो गया, अब देखो ये वाला कर्जर आ रहा है डाउन वाला, मैं क्लिक करूंगा ऊपर जाएगा ही नहीं, ये तभी जाएगा जब ये आपका चारों तरफ का ये एरो आएगा। ठीक है ना, तब क्लिक करके ऊपर करेंगे तभी जाएगा। ठीक है, हाँ, तभी होगा, वो आपको लाना पड़ेगा ना, कर्जर सही पोजीशन पे लाएंगे तभी शो करेगा, क्योंकि जैसे इसके ठीक ऊपर होंगे यहाँ इस पे, तो ये कर्जर है, अलग 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 जगह अलग अलग कर्जर आते हैं। ठीक है ना, तो आपको सही पोजीशन पे लाके, ये जो बॉर्डर है इसके ऊपर आना पड़ता है आपको। ठीक है,
हाँ तब क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए। हाँ वो जैसे ये मैंने शीट करी ना, जैसे आप सेल पे सिलेक्ट करते हैं ना, देखो यहाँ पे क्लिक किया, अगर शिफ्ट से अगली सेल पकड़ेंगे तो यहाँ तक सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल से भी कर सकते हैं कि कंट्रोल दबा के रखा तब अलग अलग क्लिक हो रहे हैं अलग अलग, तो ऐसा ही शीट पे होता है। पहली शीट को क्लिक किया, शिफ्ट दबाया लास्ट तक, तो ये सारी हो गई। ठीक है, हो जाएगा। आपको पहली एक शीट पे क्लिक करना पड़ेगा, तब शिफ्ट दबा के आपको ये शीट पे, यहाँ पे शीट का नाम जहाँ आ रहा है वहाँ क्लिक करना पड़ेगा, तब होगा। ठीक है, और एक एक करना है तो एक किया, कंट्रोल दबाया, यहाँ क्लिक किया, फिर यहाँ क्लिक किया, तो इस तरह से एक एक शीट करके हो जाएगा। ठीक है, ट्राई करना, हो जाएगा। हाँ, तो ये फॉर्मेट, या तो आप कॉलम को इस तरह से सिलेक्ट करो, ये यहाँ पे आके ये जो ऐसा कर्जर आ जाए ना, तो डबल क्लिक करो। ठीक है, तब हो जाता है। अदरवाइज क्या कर सकते हैं, जैसे अभी इसको बढ़ाता हूँ। हाँ, अब इस पे मैंने डबल क्लिक किया,